साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों यदि पैसा कमाने की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर। पैसा कमाने की, पैसा को रोकने की, सही जगह इन्वेस्टमेंट करने की, तो ये सारा खेल जो है आपके दिमाग का है, ठीक है। और कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं कि जिनको यदि बैलेंस किया जाए, जैसे कि बुध है। यदि आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, और इसमें आप चाहते हैं कि इसमें ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, क्योंकि देखिए पैसा कमाने के लिए सबसे पहले तो बात आती है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में मेहनत के साथ में आपका भाग्य भी साथ देना चाहिए। मतलब कि आपके प्लैनेट्स जो हैं ये आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपके बर्थ चार्ट में बैलेंस रहना चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत करेंगे, मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पैसा कमा नहीं पाएंगे, न्यू आइडियाज नहीं आएंगे। लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनको कुछ नंबर्स के द्वारा हम बैलेंस कर सकते हैं। देखिए न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे उपाय दिए गए हैं। यदि खास दिनों पर इनके दिन, यानी कि जैसे बुधवार है, बुध का कुछ खास अंक लिख लिया जाए, अंकों का यूज कर लिया जाए, इन नंबर्स को कुछ खास रेमेडीज के द्वारा अपने पास में रख लिया जाए, तो नंबर्स की जो एनर्जी होती है ये लाइफ में फ्लो होने लगती है और ये प्लैनेट जो होते हैं ये बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो नंबर 23 जो है दोस्तों, देखिए बुध का जो है अंक है वो है 5, ठीक है। और यहां पर जो आपको बता रहा हूं, अगर 2, 3, 2, 3 और 2, 3 इसको अगर हम 3 बार करते हैं, 2 का अंक जो है ये है चंद्रमा का, जो होता है आपके मन का कारक। यदि आपका मन शांत है, मन स्ट्रांग है, आपका दिमाग तेज है, तो आप हर वो कार्य कर लेंगे जो करना चाहते हैं। आपके दिमाग में खुद ही ऐसे आइडियाज आएंगे कि आप कहां से पैसा कमाएं। दूसरा बनता है 2 के साथ बनता है 3। 3 का अंक जो होता है जुपिटर, और जुपिटर का जो होता है सीधा होता है आपकी किस्मत कनेक्शन, भाग्य को चमकाना, मान सम्मान देना, धन की बरकत कराना, पैसों को कहां से कमाना, ये सब देता है आपका जुपिटर। तो यहां पर देखिए अब 2 और आपका 3, ये दोनों मिलकर बन जाता है 5। 5 बन जाता है आपका बुध, जो आपको बुध जो होता है ये आपके व्यापार में, नौकरी में, बिजनेस में, हर जगह ग्रोथ देता है, आपको न्यू आइडियाज देता है, ठीक है, पैसों की बरकत देता है। अब यदि 2, 3, 2, 3, 2, 3 मतलब कि 3 बार हो जाता है 5। अब 5 को यदि हम 3 बार प्लस करते हैं तो बन जाता है 1, 5, ठीक है। मतलब यहां पर सूर्य भी आ जाता है, सूर्य जो होते हैं राजयोग बनाते हैं, ठीक है, और इसके साथ में हो जाता है फिर से 5, तो इनको प्लस करते हैं तो ये बन जाता है आपका वीनस। और वीनस जो है लग्जरीज, यानी कि समस्त भौतिक सुखों की जो प्राप्ति कराते हैं वो होते हैं आपके वीनस। तो यहां पर इतने सारे ग्रहों को आप एक साथ सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी से बैलेंस कर सकते हैं। तो आज इसको अंक को आपको कैसे लिखना है जिससे कि आपके धन में वृद्धि हो, धन के नए नए आपको स्रोत मिले, चारों तरफ से आपको सक्सेस ग्रोथ मिले, उसकी ये रेमेडी आपको देता हूं। ये करने के बाद में दोस्तों आपको खुद ही आप देखेंगे कि लाइफ ही कैसा बैलेंस बनता है। ये प्लैनेट्स आपके बैलेंस होकर के आपकी लाइफ में मनी के फ्लो को बढ़ाते हैं, है ना। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूं। किसी खास दिन की कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है उस पर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी जानकारी यहां से प्रसारित करूं वो आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। और दोस्तों आप लोग यदि किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, यदि अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब की सारी रेमेडीज होती हैं जनरल होती हैं, लेकिन बर्थ चार्ट में यदि कोई प्रॉब्लम होता है, कोई प्लैनेट्स अनबैलेंस होता है, तो आप रेमेडीज करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, जनरल होती है, किसी को मैच हो जाती है, किसी को नहीं होती है। तो यदि अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से मुझसे रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं और या फिर अपनी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, आपके घर में वास्तु अनबैलेंस होगा तो भी आप रेमेडीज करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की बंदिश होगी, तंत्र मंत्र किया कराया, ऐसी कुछ क्रियाएं होंगी, तो आप कोई भी उपाय करेंगे आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। यदि घर में दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, ग्रह कलेश है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है,
कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं या अपने घर का वास्तु चेक कराना चाहते हैं, बैलेंस करवाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कॉन्टेक्ट कर लूंगा और आप मुझसे अपने हर एक समस्या का सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसा होता है घर का वास्तु वगैरह अनबैलेंस है तो उसके कारण, या बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं, तो एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करा लें, है ना। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है तो आपके नाम, माता पिता के नाम, इनके अब के नाम पे और माता पिता के नाम से एनर्जी बेस पर आपकी जो भी समस्या है 100% उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपको करना क्या है, इस नंबर को आपको तीन जगह लिख करके रखना है। आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किसी भी बुधवार को इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आप तीन पत्तियां ले लें, पंच पल्लव ले लें तो सबसे बेस्ट होगा। पंच पल्लव के जो पत्ते होते हैं, जैसे एक पीपल का पत्ता हो गया, बरगद का हो गया, नीम का हो गया, आम का हो गया और आंवले का हो गया, करी पत्ता भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी पंच पल्लव, सो जो पूजनीय वृक्ष हैं, इनके पांच पत्ते ले लें, इसका रस निकाल लें और कोई अनार की कलम वगैरह से एक कोरा पेज लें, सफेद बिना लाइनिंग वाला, ठीक है। तीन पेज लें आप, तीन कागज, ठीक है। अपने पूजा स्थान में बैठ करके अनार की कलम से इसी रस से आप तीन बार लिखें, पहले लिखें 23, फिर लिखें 23 और उसके बाद फिर से लिखें 23, तीन पेज में आप इसको लिख लें, ठीक है। और इसके बाद में तीनों कागज को हाथ में लें और ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का 5 बार, 55 बार या फिर 555 बार जाप करके मंत्रित कर लें और इसको एक हरे कपड़े वगैरह में या हरे कागज में इसको लपेट करके और एक अपने जहां पर आपका पैसा वगैरह रखते हैं वहां पर रख दें, एक अपने पर्स में रख लें और एक अपना जो व्यापार वगैरह बिजनेस वगैरह है वहां पर रख दें या पूजा स्थान में रख लें। ये नंबर की एनर्जी जो होगी दोस्तों आपको मनी के फ्लो को बढ़ाएगी, धन की बरकत कराएगी, मतलब कि जो भी मनी के ब्लॉकेजेस होंगे, ग्रहों के बैलेंस ना होने के कारण ही हमारे लाइफ में जो होती है मनी की एनर्जी अनबैलेंस होती है, तो ये प्रयोग करने के बाद में नंबर्स की जो एनर्जी होगी मनी के फ्लो को, ब्लॉकेजेस को खोलेगी, मनी के फ्लो को बढ़ाएगी, आपके जो भी मतलब जहां से आपकी इनकम है वो इनकम आपकी जनरेट होगी, है ना। मतलब ये मत सोचिएगा कि नंबर लिख के रखेंगे तो पैसे उड़ के आएंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस, आपका भाग्य, आपका लक आपका साथ देगा। तो नंबर्स को दोस्तों पूरी नंबर्स की रेमेडीज जो होती है अंग शास्त्र में, समुद्र शास्त्र में, वनस्पति शास्त्र में, न्यूमरोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में, अलग अलग बहुत सारी रेमेडीज दी गई हैं और ये रेमेडीज जो है ये न्यूमरोलॉजी की है। और नंबर के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जन्म से ही नंबर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, कहीं भी आप जाएंगे तो पूरा विश्व नंबरों से चल रहा है, करेंसी नंबर से चल रही है, हाउस, गाड़ी, सब चीजें, और आपके बर्थ जब होता है तो बर्थ के साथ ही आपका नंबर नोट कर लिया जाता है। तो नंबर जो होता है हमारी लाइफ में बैलेंस बनाने का सबसे बड़ा काम करते हैं। इस रेमेडी को आप करके देखिए, बहुत जल्दी 21 डेज से 41 डेज में इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बस पवित्रता का ध्यान देना है, ठीक है। जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे नॉनवेज वगैरह शराब वगैरह नहीं पीना है, महिलाएं सिद्धि वाले दिन में नहीं करेंगी और 14 साल की पर कोई भी व्यक्ति इस रेमेडी को कर सकता है। जानकारी मैंने आपको पूरे अच्छे से दे दी है लेकिन फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो को एक बार देख लें, दो बार देख लें, जानकारी को अच्छे से समझ लें, उसके बाद में रेमेडी को करिए। और जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखिए, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। और शेयर जरूर करें दोस्तों, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। आपको एक छोटी सी जानकारी काफी लोगों को इस जानकारी का बेनिफिट दे सकता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है और अच्छी जानकारी है, आप आगे शेयर करेंगे, जितने लोग आपकी दी हुई इस जानकारी से रेमेडी को करेंगे तो बिना कुछ के इसका लाभ आपको प्राप्त होगा, है ना। कुदरत वही देती है जो हम आगे शेयर करते हैं, आप अच्छी जानकारी आगे शेयर करेंगे आपको भी वापस अच्छा मिलेगा, घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, शेयर जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं और किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं या बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।
हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।